हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कुछ ऐसे जर्नल एंट्रीज करके देखेंगे जो कि बड़ा कंफ्यूजिंग नेचर के होते हैं, जिसमें कि समझ में नहीं आता है कि हमें इसका क्या एंट्री करना चाहिए, किसे डेबिट करना चाहिए, किसे क्रेडिट करना चाहिए। तो इस तरह के कुछ कंफ्यूजिंग जो कंफ्यूज करते हैं आपको, ऐसे जर्नल एंट्रीज होते हैं। तो आज वही सारे जर्नल एंट्रीज हम लोग करके देखेंगे और ये सारे हमने सवाल पहले से लिख कर रखा है और इसके अलावा भी कुछ 5-6 सवाल और लिख बताऊंगा आपको। तो पहले इसे देख लेते हैं। तो जैसे कि पहला है गुड्स वैल्यूइंग ₹15,000 इंश्योर्ड, गुड्स वैल्यूइंग ₹15,000 इंश्योर्ड फॉर ₹10,000। गुड्स है ₹15,000 का, पर इंश्योर्ड जो है वो ₹10,000 का ही गुड्स जो है बीमित है, इंश्योर्ड है एट द रेट ऑफ 5% एज प्रीमियम, जिसपे की 5% प्रीमियम दिया जाता है। तो जो 15,000 है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है वो 10,000 के गुड्स का करना है। तो 5% जो दिया जाएगा वो 15,000 का नहीं दिया जाएगा, 15,000 ये जो 5% प्रीमियम दिया जाएगा ये 10,000 के गुड्स पे किया दिया जाएगा, क्योंकि हमने जो गुड्स का इंश्योरेंस कराया वो 15,000 के गुड्स का नहीं कराया, हमने 10,000 के गुड्स का कराया। तो इसके लिए तो भाई 10,000 का 5% कितना होता है, तो ₹500। यहां पे मैं यहीं पे वर्किंग नोट करके आपको दिखा दे रहा हूं, पर आपको जो है इसे तो जैसा कि पता है आपको कि प्रॉपर फॉर्मेट में करना है और ये जो वर्किंग नोट होगा अलग से दिखाया जाएगा। तो ₹500 इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके लिए एंट्री करेंगे हम इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या हमने चेक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट, ₹500 500। ये बेइंग नरेशन क्या होगा, बेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम एट द रेट ऑफ 5% फॉर गुड्स ऑफ ₹10,000 वेयर पेड, ये नरेशन हो गया। इसके बाद दूसरा सवाल अबाउट गुड्स फ्रॉम नितेश फॉर कैश 5,000 ऑल्सो पेड ₹50 फॉर देयर कैरेज, नितेश से गुड्स खरीदा गया पर फॉर कैश नगद में खरीदा गया है ना। अगर ये फॉर कैश नहीं होता तो इसका मतलब ये होता कि नितेश से हमने उधार माल खरीदा, पर नाम के साथ फॉर कैश लगा हुआ है, मतलब कि हमने उससे कैश में परचेज किया है। तो ये ₹5,000 का गुड्स खरीदा है और इसका हमने ₹50 किराया भी दिया है। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगा क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट 5,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 50 टू कैश अकाउंट 5,050, बैंक purchased goods for cash and carries paid। इसके बाद तीसरा देखते हैं bricks for ₹20,000 and cement for ₹10,000 purchases for the construction of building। तो यहां पे आपको ऐसा भी लग रहा हो कि bricks हम खरीद रहे हैं, cement हम खरीद रहे हैं, तो bricks account debit कर दें, cement account debit कर दें, पर यहां पे ऐसा नहीं करेंगे। ब्रिक्स और सीमेंट हमने किस पर्पज से खरीदा, किस लिए खरीदा, तो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो यहां पे हम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे और टोटल अमाउंट कितना ₹20,000 का ब्रिक्स खरीदा गया, ₹10,000 का सीमेंट खरीदा गया और खरीदा गया बिल्डिंग बनवाने के लिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये सब जो है बिल्डिंग बनने में, ये सीमेंट, ये जो ब्रिक्स है, ये सारा बिल्डिंग बनने में यूज होगा। तो ब्रिक तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने का खरीदा गया ब्रिक्स, ₹20,000 का, ₹10,000 का सीमेंट, मिलाकर हो गया ₹30,000 टू कैश अकाउंट, ₹30,000 बैंक ब्रिक्स एंड सीमेंट purchased for
कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, परचेज एंड ओल्ड मशीनरी फॉर ₹20,000 एंड स्पेंट ₹500 ऑन इट्स कैरिंग एंड ₹1,500 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। एक पुराना मशीन खरीदा गया है जिसे 20,000 में खरीदा गया और उसे लाने में जो ढुलाई का खर्च हुआ है वो ₹500 हुआ है और उसे तुरंत रिपेयर किया गया जिससे वो वर्किंग कंडीशन में आ जाए। जब पुराना सामान हम लेते हैं तो उसे फिर अपने स्तर से उसे जो रिपेयर हमें लगता है जरूरी है कर देना चाहिए वो कर लेते हैं जिससे कि वो ठीक ठाक चले। तो ये खर्च इमीडिएट रिपेयर है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर कैरेज अकाउंट डेबिट, फिर रिपेयर अकाउंट डेबिट, ये नहीं करेंगे। ये सारा का सारा मिला करके मशीन का ही मूल्य हुआ, मशीन का ही वैल्यू है। सारे से टोटल अमाउंट से मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना 20,000 और 500 और 1500, 22,000 रुपए, 22,000। टू कैश अकाउंट 22,000 बैंक, हाँ नरेशन में इसे जरूर मेंशन कर देंगे, बैंक परचेज ए मशीनरी एंड इट्स कैरेज एंड रिपेयरिंग चार्जेस पे इससे। तो ये हो गया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद पांचवा जो है परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजू, राजू से ₹50,000 का माल उधार खरीदा गया है। पेड ₹10,000 फॉर कैरेज ऑन दिस गुड्स और इसके ढुलाई में इसे मंगवाने में जो खर्च हुआ ₹1,000 किराए का हुआ, किराए का ₹1,000 दिया गया इस पे और जो गुड्स खरीदा गया उधार में राजू से खरीदा गया और कैरेज तो दिया गया है नगद में। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होगा क्या होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितने का गुड्स खरीदा गया है तो ₹50,000 का, कैरेज कितना, कैरेज है ₹1,000 टू गुड्स खरीदा गया है राजू से, राजू अकाउंट डेबिट ₹50,000 और चूंकि कैरेज कैश में दे दिया गया है, कैरेज तो कैश में ही दे दिया गया होगा तो ₹1,000। तो ये हो गया एंट्री बैंक परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड इट्स कैरिंग चार्जेस पेड, ये हो गया और ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे और भी एंट्री हम लोग देखते हैं अभी, तो आगे कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे कि ये छठा, पांच तो हमने देखा अभी अभी, छठा सवाल जो है परचेज गुड्स फ्रॉम अभी फॉर ₹6,000 एंड द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। तो ये तो सिंपल एंट्री है कि परचेज किया है हमने अमित से लेकिन इसका पेमेंट कर दिया और पेमेंट चेक से किया, चेक से करें या कैश से करें दोनों कैश में ही परचेज हुआ। तो यहाँ पे चेक से पेमेंट करेंगे तो ये होगा कि हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा ना कि कैश अकाउंट। तो ये तो आसान एंट्री है कि जब कभी चेक से हम पेमेंट कर रहे हैं तो टू जो क्रेडिट कैश होता है उसके जगह पे क्रेडिट में बैंक होगा। तो परचेज अकाउंट है बच्चों बैंक अकाउंट, कितना तो ₹6,000। ये तो आसान एंट्री है, मैंने पीछे के वीडियोस में भी आपको बताया है। तो बैंक परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड थ्रू चेक, ठीक है। अब जो सातवां सवाल है इसे देखना, सोल्ड वन थर्ड ऑफ द अबव गुड्स, ये जो ऊपर वाला उसका एक तिहाई भाग, सोल्ड वन थर्ड ऑफ द अबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ये जो ऊपर वाला है उसका एक तिहाई गुड्स उसे कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट पे बेचा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इसका वन थर्ड कितना होता है, यही पे वर्किंग नोट कर लेते हैं।
मैं फिर भी बता रहा हूं आपको, बार बार बता रहा हूं कि आपको जो है ये प्रॉपर फॉर्मेट में करना है और वर्किंग नोट को बाहर में दिखाना है, ऐसे नहीं करते ना आपको। और फॉर्मेट मैंने पीछे के वीडियो में जर्नल का क्या फॉर्मेट होता है ये बताया है, तो उसे आपको देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा या आपको फॉर्मेट के बारे में पता नहीं है। तो सबसे पहले निकालेंगे 1/3 इसका कितना होगा, तो ऊपर वाला जो गुड्स है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, तो ऊपर वाले गुड्स का 1/3, तो 6000 का 1/3 कितना हो गया, तो 3 से काटेंगे तो दो बार में कटेगा, तो 2000, यानी 2000 के गुड्स को जिसका कॉस्ट 2000 है, तो 25% के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। तो भाई 2000 का 25% कितना हो जाएगा, तो ये 0-0 गया, 0-0 गया, तो ये 500 रुपए, मतलब ये जो 2000 का गुड्स है इसमें 500 रुपए का प्रॉफिट लिया जा रहा है, मतलब कि जो उसका सेलिंग प्राइस होगा 2000 तो कॉस्ट है प्लस 500 रुपए प्रॉफिट के, तो 2500, यानी इतने में बेचा जाएगा। और यहां पर एंट्री कर लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट, यहां छोटा सा कर लेते हैं, जगह कम है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, तो 2500 बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, समझ गए आप क्या था सवाल, सवाल था सोल्ड 1/3 ऑफ दी अबव गुड्स, ये जो ऊपर जो गुड्स लिया गया है एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, तो क्या किया हमने, जो 6000 का गुड्स था उसका 1/3 पहले हमने निकाल लिया 2000 ये कॉस्ट है, और इस पे 25% का प्रॉफिट किया जा रहा है, कॉस्ट पे लिया जा रहा है, तो जो 2000 जो है उसका 2000 का हमने 25% निकाला, तो 2000 का 25% 500, यानी ये प्रॉफिट कमाऊ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में क्या होता है कि प्रॉफिट का अमाउंट भी जुड़ा रहता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब इसका हमने एंट्री कर लिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट 2500 टू सेल्स अकाउंट 2500, और इसके आगे कैश सेल्स ₹70,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स ₹50,000, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, हमने जितने में बेचा हम उसके कॉस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस 50,000 का हम कुछ नहीं करने जा रहे, सिंपल एंट्री होगा इसका, जितने में हमने बेचा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, तो 70,000 हमें 50,000 का कुछ भी नहीं करना, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है जो हमने 70,000 में बेचा उसका कॉस्ट दिया हुआ है, उसका हमें कुछ नहीं करना है, हमने कितने में बेचा उससे मतलब गुड्स जो बेचा है, यही कोई एसेट रहता तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हमें शो करने की जरूरत होती एंट्री में, पर यहाँ पे कोई फिक्स एसेट होता, सपोज मशीनरी होता, मशीनरी के बारे में लिखा होता कि मशीनरी को बेच दिया 70,000 में जबकि मशीनरी का कॉस्ट 50,000, तो वहां 20,000 का जो प्रॉफिट है उसे हमें शो करने की जरूरत होती अलग से, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना चूंकि गुड्स बेच रहे हैं तो हमें ये कॉस्ट ऑफ गुड्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, गुड्स को कितने में हमने बेचा बस उससे मतलब है, तो कैश सेल 70,000 बस इसे ध्यान रखना है, तो इसका जो सिंपल एंट्री है कैश सेल्स के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 70,000 बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, ये जो एसेट्स के बारे में अभी मैंने आपको फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बताया कि उसका प्रॉफिट हमें शो करना पड़ता या अगर लॉस पे बेचते तो लॉस को शो करना पड़ता, तो वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि उसे दिखाना पड़ेगा, पर गुड्स को बेच रहा है तो इसका जो कॉस्ट दिया हुआ इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने इसे कितने में बेचा बस उसी से मतलब है, तो कैश अकाउंट डेबिट 70,000 टू सेल्स अकाउंट बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश या बीइंग सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट रेट पे है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो इसका सिंपल एंट्री होगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 2500, इस तरह से लिखा हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, मतलब ये बिजनेस का जो इंश्योरेंस कराया गया उसका कोई पार्ट्स का कोई मशीन का या कुछ का भी जो बिजनेस से रिलेटेड इंश्योरेंस है उसका पेमेंट किया जा रहा है, तो ये बिजनेस का खर्च है तो इसे हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्यों बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम
पेड, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹2000 फॉर सेल, यहां पे लिखा हुआ है स्वयं के लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया गया, तो ये बिजनेस का नहीं है। बिजनेस वाला में क्या है, सिंपल लिखा गया इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, मतलब इसका मतलब ये हुआ ऊपर वाला का मतलब कि वो बिजनेस का इंश्योरेंस किया गया है, या बिजनेस के कोई प्लांट का, मशीनरी का, या कोई एसेट्स का, या पूरे बिजनेस का, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भरा जा रहा है। तो वो बिजनेस का खर्च था, तो उसके लिए हमने एंट्री किया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन ये खुद का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा जा रहा है, तो ये पर्सनल यूज के लिए है। तो इसके लिए क्या एंट्री होगा, जब कभी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकल रहा है, यूज हो रहा है बिजनेस का पैसा, या तो उसके लिए क्या होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। करना बिल्कुल ना भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।